بسم الله الرحمن الرحيم. खुदा की कसम ये जुमला मैंने लखनऊ में कहा था तो वहाँ के ज़ाकिरीन और मौलवी साहिबान नाराज़ हो गए. दूसरे दिन मेरे पास इतना लंबा उन्होंने एहतजाज नामा लिख के भेजा. ज़मीन से आसमान, जवानों बच्चों याद रखना ये जुमला, ज़मीन से आसमान तक हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों करोड़ चीजें अल्लाह ने ऐसी बनाई हैं जिनके जरिए से आप रिस्क हलाल हासिल कर सकते हैं. क्या सब छोड़कर एक खून हुसैन रह गया है? रिस्क हलाल कमाने के लिए और कोई चीज नजर नहीं आती. जमीन से कितनी चीजें, ये जुमला अगर आप याद रखेंगे तो आपको कभी रोजी रोटी कमाने की राहें मसदूद नजर नहीं आएंगी, कभी रास्ते बंद नजर नहीं आएंगे. इल्म हासिल करो, कमर मजबूत करो. इक्तिसादियात इकोनॉमिक्स मनफी सोच को निकालें और सच्चा दीन और मजहब माने. दीन का तो माशाअल्लाह, दीन तो तिजारत बन चुका. अनफॉर्चुनेटली रिलीजन हैज बिकम एन इंडस्ट्री. और जब इंडस्ट्री हो गया तो क्या हुआ? इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कौन करता है? जिसके पास पैसा. जब इंडस्ट्री बन गई, जर्नलिज्म क्या बन गया? इंडस्ट्री. मजहब क्या बन गया? इंडस्ट्री. आजादारी क्या बन गई? इंडस्ट्री. तो सब में इन्वेस्ट कौन करेगा? कैपिटलिस्ट. तो जैसा वो चाहेगा वैसा मजहब का चेहरा बना देगा, वैसा आजादारी की रस्में बना देगा उस तरह की, और उस तरह का प्रोपेगेंडा फैला देगा. दीन को नऊज़ु बिल्लाह दहशतगर्दी की फिक्र पर मबनी करार देगा. हालांकि जितनी दहशतगर्दी पूरी दुनिया में मौजूद है, जितनी और जिस जिस किस्म की, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न कैपिटलिज्म की देन है. जवान बेदार हैं, मुझे मालूम है, सुन रहे हैं, नोट कर रहे हैं. वेस्टर्न के, मैं खुद लंदन से आया हूँ, मशहूर है ना ये बात, क्या और मैं जोर से कहूँ, मैं लंदन से आया हूँ, मगर मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ कि वेस्टर्न कैपिटलिज्म, सो कॉल्ड वेस्टर्न कैपिटलिज्म, इसने, ये है जड़ किस चीज की? टेररिज्म की, दहशतगर्दी की. हर किस्म का फितना और फसाद उधर से आ रहा है और वो हर बुराई आपके नाम कर देते हैं और हर अच्छाई को अपने नाम करने की नाकाम कोशिश करते हैं, नाकाम कोशिश. मगर इन तमाम सूरत हाल में अगर वो स्पिरिट पैदा हो जाए जो हजरत इमाम खुमैनी रिजवानुल्लाह ताला अलैह की थी. लेकिन इस वक्त जो बात जबान पर बेख्तियार आती चली गई, बेख्तियार, सही स्पिरिचुअलिटी पैदा कीजिए. क्या पैदा कीजिए? स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत. रस्म परस्ती नहीं, रूहानियत. रस्म परस्ती नहीं, मवद्दत. रस्म परस्ती नहीं, मोहब्बत. रस्म परस्ती नहीं, हुक्म परस्ती. फर्श अज़ा बिछाना एक हुक्म है और ये हुक्म हम बजा लाते रहेंगे. अपने बुजुर्गों के लिए ईसाले सवाब करना एक हुक्म है, एक तहजीब इस्लामी है. ये काम होता रहेगा, कोई नहीं रोकेगा और ये कोई कभी रुक भी नहीं सकता. लेकिन इसमें जो तकद्दस का पहलू है, हुर्मत का पहलू है, रूहानियत का पहलू है, जो मोरल का पहलू है, उस मोरल के पहलू को जिंदा रखने, बरकरार रखने की जरूरत है. अजीजान गिरामी, अजीजान गिरामी,